तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल यूनिक स्टडी विद शिव में। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 एनसीईआरटी में चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.3। इस चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में हमको क्या करना है, इक्वेशंस को सॉल्व करना है और उनके रिजल्ट्स को चेक करना है। इक्वेशन सॉल्व करने वाला पार्ट जो है ये हमको एक्सरसाइज 2.1 में भी दिया गया है। तो यदि आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप वह वीडियो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या करना है इस क्वेश्चन में। ये पहला क्वेश्चन मैं पहले से ही सॉल्व कर चुका हूँ, हम सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए इक्वेशन सॉल्व करने के कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जिसको डिस्कस मैंने अपनी पिछली वाली वीडियो में करा हुआ है, आप जाके उसको देख सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा यदि आप वो वाली वीडियो देखते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा बेसिक इसका बता देता हूँ आपको फिर भी। तो जैसे क्या है, इसमें है 5t-3 = 3t-5। ठीक है, तो हमें पता है कि हमारे पास इक्वेशन में दो साइड्स होती हैं, ये साइड LHS कहलाती है और ये साइड RHS कहलाती है। ठीक है, इक्वल के इस साइड वाली साइड LHS कहलाती है और इक्वल के इस साइड वाली साइड RHS कहलाती है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। अब हमें करना ये होता है कि हमें इक्वल के एक साइड में सारे वेरिएबल्स रखने होते हैं और इक्वल के एक साइड में सारे नॉन वेरिएबल्स रखने होते हैं। ठीक है, और अभी आप देख रहे होंगे कि इक्वल के एक साइड में हमारे नॉन वेरिएबल वेरिएबल दोनों हैं और इस साइड भी नॉन वेरिएबल और वेरिएबल दोनों हैं। अब हमें क्या करना है कि जो वेरिएबल्स हैं उनको छांट के एक तरफ करना है और नॉन वेरिएबल उनको छांट के दूसरी तरफ करना है। और इसको करने के लिए हम जिस मेथड का यूज़ करेंगे उसको कहते हैं ट्रांसपोजिशन मेथड। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, हम जनरली क्या करते हैं कि जो वेरिएबल्स होते हैं उनको लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं। तो वेरिएबल में हमारा कौन है पहले से, लेफ्ट हैंड साइड में 5t बैठा हुआ है, तो मैंने लिख लिया 5t। अब हमारा और क्या है पूरी इक्वेशन में वेरिएबल, 3t। अब देखिए 3t पर यहाँ पर कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। जब हम इसकी साइड चेंज करके इसको LHS में लाएंगे तो इसका साइन क्या हो जाएगा, हमारा माइनस का हो जाएगा। जब भी हम साइड चेंज करते हैं तो क्या होता है, साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई का डिवाइड और डिवाइड का मल्टीप्लाई। ओके, अब हमारा कोई वेरिएबल नहीं है, अब हम क्या लगाएंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे और RHS अपनी राइट हैंड साइड पर आ जाएंगे। और देखिए राइट हैंड साइड पर कौन पहले से बैठा हुआ है, -5 बैठा है। ठीक है, तो हमने -5 को रख दिया। अब पूरी इक्वेशन में और कौन है हमारा नॉन वेरिएबल, -3। अब देखिए 9-3 को हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं दूसरी साइड में, दूसरी तरफ भेज रहे हैं। तो क्या करेंगे, इसका साइन चेंज कर देंगे, यहाँ माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा बेसिक रूल होता है इक्वेशंस को सॉल्व करने का। अब ये कितना आ जाएगा हमारा, 2t आ जाएगा इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारा -2, क्योंकि माइनस का नंबर हमारा बड़ा है इसलिए हमारा जो आंसर आएगा उसमें माइनस का साइन आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा t = -2/2। देखिए 2 और t के बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई का साइन है, जब हम 2, अब हमें t की वैल्यू चाहिए तो हमें 2 को हटाना पड़ेगा, तो 2 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी साइड चेंज करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर आके ये डिवाइड में हो जाएगा। तो t का आंसर जो आएगा हमारा -1। अब हम क्या करेंगे, इसमें चेक लगाएंगे, चेक किस तरीके से लगाएंगे, देखिए ये हमने इक्वेशन सॉल्व करी है। देखिए क्या करेंगे, जो तो t की वैल्यू आई है ना, इसको हम कहाँ पुट करेंगे अपनी क्वेश्चन में, तो हो जाएगा 5 × -1 - 3 = 3 × -1 और ये -5। ठीक है, अब इसका आंसर क्या आएगा, -5 - 3 = -3 - 5। अभी होगा -8 = -8। अब क्या हो गया हमारे, ये LHS = क्या आ गया, RHS। और जब हमारी वैल्यू रख के LHS = RHS आ जाता है, ठीक है, वैल्यू पुट करी, जब हमारा LHS और RHS सेम आ जाता है वैल्यू पुट करके, तो हमारा जो मतलब आंसर आया है वो सही है और हमने अपना आंसर चेक कर लिया है। ठीक है,
तो ये होता है चेक का मतलब कि हमको वैल्यू पुट करनी है अपनी क्वेश्चन के अंदर और हमें ये देखना है कि हमारे LHS की वैल्यू और RHS की वैल्यू इक्वल आ रही है या नहीं आ रही। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए वही चीज़ करेंगे इसमें भी। LHS में क्या रखेंगे, वेरिएबल रखेंगे, 5x रखा। अब इसको हम यहाँ लाए तो ये माइनस का 3x हो गया, प्लस का है वहाँ पे। अब RHS में कौन बैठा हुआ है, 5 बैठा हुआ है। 9 को उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का 9 हो जाएगा और ये 2x इज इक्वल टू माइनस 4 आ जाएगा। ठीक है, 5 माइनस 9 क्या होगा, माइनस 4 आ जाएगा। अब x और 2 क्या है, मल्टीप्लाई में है तो x की वैल्यू चाहिए तो 2 इधर जाएगा या मल्टीप्लाई में RHS में आके वो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, माइनस 2 आ जाएगी। अब हम वही चेक लगाते हैं तो देखिए 5 इंटू माइनस 2 प्लस 9 आ जाएगा, ये इज इक्वल टू 5 प्लस 3 इंटू माइनस 2। ठीक है, इतना आ गया हमारा, तो ये कितना आ गया, माइनस 10 प्लस 9 इज इक्वल टू 5। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर आएगा माइनस 6, 3 इंटू माइनस 2 है ना, तो ये आ जाएगा माइनस 6। तो ये प्लस, ये जो प्लस है और अंदर का जो माइनस है वो दोनों मिलके माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या साइन हो जाएगा ना, माइनस का, और 6 है अंदर, 3 इंटू 2 6 आया था तो ये 6 आ गया, तो ये आ गया हमारा माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1। तो यहाँ भी क्या हो गया हमारा, LHS इज इक्वल टू RHS, तो ये भी क्या हो गया हमारा, प्रूव हो गया। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन है, जैसे 4z प्लस 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 2z। देखिए हम LHS या RHS में कहीं पे भी हमारे नॉन वेरिएबल को पुट कर सकते हैं, लेकिन हमें ये बात याद रखनी है कि इक्वल के एक तरफ हमको नॉन वेरिएबल्स रखने हैं और इक्वल के दूसरी तरफ हमको वेरिएबल्स रखने हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं आपको ऐसे भी करा देता हूँ जहाँ पे मैं RHS में अपने अपने वेरिएबल्स को पुट करूँगा। ठीक है, तो देखिए अब RHS में हमको वेरिएबल लिखना है तो LHS में हमारे क्या आ जाएंगे, नॉन वेरिएबल्स आ जाएंगे। तो देखिए LHS में हमारा नॉन वेरिएबल कौन है, 3 बैठा हुआ है। ठीक है, पूरी इक्वेशन में और कहाँ है, ये रहा। अब ये RHS में है, LHS में लाना है तो ये माइनस 6 हो जाएगा इज इक्वल टू। अब RHS की बात आई, RHS में कौन है, 2z है अपना। ठीक है, और कौन है हमारा वेरिएबल, 4z है। ठीक है, तो ये यहाँ से दूसरी साइड आ रहा है, LHS से RHS में आ रहा है तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा, ये आ गया हमारा माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2z। ठीक है, अब देखिए हमें z की वैल्यू चाहिए, z और माइनस 2 क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो हम z को रखेंगे और 2 को हम क्या लाएंगे, इधर लेकर आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ पर आके डिवाइड में। याद रखना है साइन के सहित लाना है, हमारा जो वेरिएबल होगा वो कभी भी माइनस में नहीं होगा जब हम अपना आंसर लिखेंगे। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो z की इज इक्वल टू वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 3/2। हमने बाद में इसको क्या करा, इसको LHS में रख दिया, इसको RHS में कर दिया। ठीक है, ये देखने में थोड़ा सही लगता है, इस वजह से हमने वेरिएबल अपना हमेशा LHS में रखते हैं और नॉन वेरिएबल RHS में रखते हैं। ठीक है, अब हम क्या लगाएंगे, इसमें चेक लगाएंगे। तो ये हो गया 4 × 3/2 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2। ठीक है, 4 × z की वैल्यू प्लस 3 6 प्लस 2 × z की वैल्यू, 2 से 4 कैंसिल आउट, 2 बचा, ये कितना आ गया, 6 प्लस 3, 3 × 2 = 6 और प्लस 3 6। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट, ये वन, तो 3 × 1 = 3, तो ये 9 इज इक्वल टू 9, तो क्या आ गया हमारा, LHS इज इक्वल टू RHS यहाँ भी आ गया। इसी तरीके से ये क्वेश्चन है, तो LHS में वेरिएबल रखेंगे और कौन है वेरिएबल, x है, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा यहाँ पर आके। अब RHS में कौन है हमने अपना नॉन वेरिएबल, 14 है, ये RHS में RHS में आके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 3x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 15/3, x 15 से 3 कट गया, कितना बचा, 5। अब इसमें क्या करेंगे, 5 पुट करेंगे, तो चेक लगा देते हैं इसमें,
ये हो जाएगा 2 × 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 14 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9, तो 9 इज इक्वल टू 9 आ गया। तो यहाँ भी क्या हो गया हमारा, LHS इज इक्वल टू RHS। अब इसी तरीके से ये क्वेश्चन है, देखिए इसमें थोड़ा सा ये RHS में चेंज है, ये मैं बताता हूँ अभी आपको। तो ये हो गया 8x + 4 एज इट इज आएगा। अब देखिए 3 के बाद क्या हमारा ब्रैकेट चालू हो रहा है, तो 3 और जो ब्रैकेट के अंदर हमारे जो नंबर है ना वो क्या है, इसके मल्टीप्लाई में है। ठीक है, जब भी हमारा कोई नंबर लिखा हुआ है, जैसे ये मैंने 2 लिखा और इसके आगे ब्रैकेट में कुछ भी लिखा हुआ है, एक्स वाई जेड कुछ भी लिखा, मैंने एक्स प्लस 1 लिख दिया, तो ये जो पूरा ब्रैकेट है ये पूरा मल्टीप्लाई में होता है। ठीक है, ब्रैकेट पूरा मल्टीप्लाई होने का मतलब क्या है कि ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है ना सारे वो इस बाहर वाले नंबर के मल्टीप्लाई में होंगे। तो इसमें भी ऐसे ही होगा, तो 3 × x हो जाएगा माइनस 3। अब देखिए ब्रैकेट यहाँ पे क्या हो गया, ख़त्म हो गया, यहाँ से हमारी नई टर्म चालू हो गई, तो ये मल्टीप्लाई में नहीं आएगी, ये हम एज इट इज़ रख देंगे। ये आ गया हमारा 8x + 4 इज इक्वल टू, अब देखिए 3x, अब ये दोनों आपस में सॉल्व हो रहे हैं, तो ये आ जाएगा हमारा +4 8x - 3x। अब ये वाली स्टेप पूरी हमारी ये क्वेश्चन जैसी बन गई, इज इक्वल टू यहाँ पे 4 पहले से ही है, अब इस 4 को हम यहाँ लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 0/5, तो x इज इक्वल टू आ गया 0। अब क्या करेंगे, हम चेक लगाएंगे, तो 8 × 0 + 4 इज इक्वल टू 3 0 - 1 + 7, तो ये हो गया 0 + 4 इज इक्वल टू, अब 0 - 1, देखिए जो चीज़ हमारी यहाँ हो रही थी वही चीज़ यहाँ होगी, तो 3 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3 का 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, माइनस का साइन आएगा के अंदर क्या है ब्रैकेट में माइनस का साइन है, +7, तो ये आ गया 4, और -3 + 7 कितना हो गया 4, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, इसके सॉल्यूशंस। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स में, और कमेंट करके बता सकते हैं, और आप ये भी बता सकते हैं कमेंट करके कि आपको किसी टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए, आप मुझे ये भी बता सकते हैं। धन्यवाद।